हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कविता फोर व्हीलर ट्रेनर में। दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं, जो कि सभी चालकों के लिए यह जानना ज़रूरी है कि गाड़ी में ब्रेक फेल कैसे हो जाता है और ब्रेक फेल होने की वजह क्या है। जो कि गाड़ियां तो सभी लोग चलाते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि कब गाड़ी में ब्रेक फेल हो जाता है और क्या कारण होते हैं ब्रेक फेल होने के। तो चलिए देर ना करते हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आप लोग मेरे वीडियो को स्किप ना करें, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी ब्रेक से संबंधित। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि हमारी गाड़ी का ब्रेक कैसे फेल हो जाता है और जो है हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए कि गाड़ी का ब्रेक ना फेल हो। तो अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो कहीं भी जाने से पहले आप जो है गाड़ी का ब्रेक ऑयल चेक कर लें कि गाड़ी में ब्रेक ऑयल कम ना हो, क्योंकि ब्रेक लगने का कारण जो है वही ब्रेक ऑयल होता है। जो कि अगर गाड़ी में ब्रेक ऑयल कम है तो ब्रेक आपका फेल हो सकता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ब्रेक ऑयल होता कहाँ पे है और हमें इसे इसको चेक करने का क्या तरीका है, हम इसको कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं या कहीं भी ब्रेक फेल होने की कंडीशन में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रेक ऑयल होता कहाँ पे है। तो ब्रेक ऑयल ये है जो कि हम लोग इसको ब्रेक ऑयल बोलते हैं और ये ब्रेक ऑयल जो है यहाँ पे एक ये लगा होता है पंप। अगर ये पंप से यहाँ से लीकेज होगा तो ये धीरे धीरे मोबिल यहाँ से आपका ब्रेक ऑयल जो है नीचे गिरेगा और इससे ब्रेक लगने में जो है प्रॉब्लम होती है और अचानक से ब्रेक फेल हो सकता है। तो जब भी ब्रेक फेल होगा या ब्रेक ऑयल कम होगा, जैसे कि ये ब्रेक ऑयल है तो ब्रेक ऑयल आपका 20,000 किलोमीटर या फिर आप इसे कहीं भी लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं तो आपको लॉन्ग रूट पे जाने से पहले ब्रेक ऑयल को चेक कर लेना चाहिए कि ताकि आपके साथ ये दिक्कतें ना आए कि ब्रेक फेल हो जाए या ब्रेक का असर कम हो जाए। क्योंकि अगर ब्रेक ऑयल गाड़ी में कम है तो ब्रेक का असर भी कम हो जाता है, ब्रेक भी कम लगता है और बाकी समय समय पे आप लोग गाड़ी की सर्विसिंग कराएं और समय से ब्रेक का ध्यान दें तो ये कंडीशन नहीं आएगा कि गाड़ी में ब्रेक फेल हो। क्योंकि पहले की जो गाड़ियाँ होती थी उसमें आपकी गाड़ी में कोई भी साइन नहीं होता था कि आप लोग एक्टिव हो रहे हैं गाड़ी के प्रति। तो हम ये कहेंगे कि जब भी आप लोग जाएँ तो हमेशा ये चेक कर लें कि ब्रेक ऑयल के पास कोई लीकेज ना हो और ब्रेक ऑयल आपके गाड़ी में पर्याप्त हो, ज़्यादा ओवर ना हो और जो है हर 20,000 किलोमीटर या एक साल जो भी हो आप उसको पहले बदलें और हमेशा सुरक्षित तरीके से ड्राइविंग करें कि ताकि जो है ये सब प्रॉब्लम आप लोगों को ना आए। तो हम आशा करते हैं दोस्तों मेरा यह वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि मेरा हौसला ऐसे ही बना रहे और मैं आप सभी के लिए ऐसा ही वीडियो लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।